डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, अभी हम लोग साइंस में मानव मस्तिष्क को पढ़ रहे हैं, और मानव मस्तिष्क में पिछले दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क से निकलने वाला कपाल तंत्र और मेरुरज्जु से निकलने वाला मेरु तंत्रिका से बना हुआ होता है। यानी कि कपाल तंत्र और मेरु तंत्र से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। चलिए उसके आगे हम लोग नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे मस्तिष्क के तीन भाग हैं कॉमा जो मुख्य रूप से सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है। पहले लिखेंगे, देखिए सबसे पहला मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो तीन भाग, जो किसके लिए उत्तरदायी है, मुख्य रूप से सूचनाओं को समाकलित करने के लिए, सूचनाओं को पढ़ने के लिए, उसके प्रति कुछ सोचने के लिए, ना तीन भाग है। पहला में लिखिएगा उसके नीचे अग्र मस्तिष्क, दूसरा लिखेंगे मध्य मस्तिष्क, और तीसरा लिखेंगे पश्च मस्तिष्क। तो याद रखिए, मस्तिष्क के तीन भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसमें से सबसे अगर सोचने वाला भाग है, यानी कि कुल मिलाकर हमारा कौन सा मस्तिष्क मुख्य रूप से सोचने का काम करता है, अगर सवाल आएगा, वो है हमारा अग्र मस्तिष्क। ध्यान रखिएगा, उसको नेक्स्ट एरो में लिखा जाए। नेक्स्ट एरो देखकर लिखेंगे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मुख्य रूप से सोचता है, वो है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, चलिए उसके नेक्स्ट एरो लिखा जाए मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने जैसे कोई बोलता है तो हम अपने कानों से सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो ये मध्य मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र काम करते हैं और कुछ अग्र मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र काम करते हैं सुनने को लेकर, कॉमा सूंघने और देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। इसका मतलब ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, हमारा अग्र मस्तिष्क को कुल मिलाकर ये सोचने वाला है। अब इसका कुछ क्षेत्र जो है, और मध्य मस्तिष्क का कुछ क्षेत्र है जो है, वो सुनने, सूंघने और देखने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि विशिष्टीकृत है। तो अगर सवाल आता है कि सुनने, सूंघने और देखने के लिए किस मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, तो ये मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के कुछ भाग, कुछ क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे भोजन का अनुभव होता है, जैसे मान लिया कि भूख लग गया, तो हमको कैसे पता चलता है भूख लग गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपने जब टहलता है, यानी कि आपको जैसे बस छूट रहा है तो आपको दौड़ना चाहिए, यानी जल्दी जल्दी अपने टांग की पेशियों को बढ़ाना चाहिए, तो ये सब भी कंट्रोल किया जाता है अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही। यानी कि कुल मिलाकर भोजन का अनुभव कराना, प्यास लगना, ये सब किस मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अग्र मस्तिष्क के द्वारा। चलिए इसको भी लिखा जाए। नेक्स्ट एरो में लिखेंगे
पर्याप्त भोजन का अनुभव, यानी कि जब भोजन ज्यादा कर रहे हैं पेट भर जाता है, तो इसका भी अनुभव अगर मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। तो पर्याप्त भोजन का अनुभव कौमा हमारी टांग की पेशियां, हमारी टांग की पेशियां की नियंत्रण भी अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। तो वही बात है जो भी हम आपको समझाएं कि अग्र मस्तिष्क के द्वारा क्या-क्या कंट्रोल किया जाता है, तो भूख लगना, प्यास लगना, पेट भर जाना, है ना, अपने टांग की पेशियों को कब गतिशील करना है, कब स्थिर करना है ना, तो ये सभी नियंत्रित किया जाता है हमारे अग्र मस्तिष्क पर। यहाँ तक कि हम ये भी आपको बताए हैं कि जो नशा करता है, जो अल्कोहल लेते हैं, वो भी सोचने वाला जो दिमाग है, अग्र मस्तिष्क ही उनका काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे उसके नेक्स्ट नीचे एरो। वैसी क्रियाएं जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है, हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है, उन्हें उन्हें अनैच्छिक क्रिया, ध्यान दीजिए इसका नाम क्या है, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, वैसी क्रिया जो हम सोचते नहीं है उसको उसको उस बात को लेकर, उसको हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया। और ऐच्छिक क्रिया किसको कहते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार क्रियाएं होती है उसको ऐच्छिक क्रिया, जो कि हम लोग पहले पढ़े भी थे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया ऐसी क्रिया है जिस पर हमारा माइंड बिल्कुल ही नहीं सोचता है। अब इसका जैसे में लिखेंगे कौन कौन सा एग्जाम्पल है जिस पर हमारा माइंड जो है सोचता नहीं है। तो पहला में लिखेंगे पसंद के भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, पसंद के भोजन को देखकर मुंह में पानी आना। देखिए इसको माइंड जो है सोचता नहीं है, इस पर जैसे ही आपको इमली सुने, इमली का नाम लिए, मुंह में पानी आ गया। तो ये सब को लेकर हमारा माइंड बिल्कुल ही नहीं सोचता है, तो यह एक अनैच्छिक क्रिया है, इसको लेकर कोई सोचता नहीं है, दिमाग कभी ये सब लेकर कोई सोचता नहीं है। तो इस तरीके से पहला क्या लिखें, पसंद को का भोजन देकर मुंह में पानी आना। दूसरा लिखेंगे हृदय के धड़कन, जी हाँ, दूसरा में लिखेंगे जैसे का दूसरा में हृदय के धड़कन। और हृदय के धड़कन का मतलब भी हुआ कि जैसे हृदय अब धड़क रहा है, उसको हमको सोच सोच कर नहीं धड़कवाना है कि हाँ चलो अब धड़को, या फिर अब बंद कर दो, बहुत ज़्यादा धड़क गया, ऐसा करके उसका काम ही है नियंत्रण, वो चलते रहता है, इसलिए माइंड जो है इसको लेकर कभी नहीं सोचता है हमारा दिमाग। ठीक है, तीसरा लिखेंगे सांस लेना, जी हाँ, अब जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो इसको भी लेकर जो है सोचने का क्रिया नहीं है। सिंपल बात कि वैसी क्रियाएं जो सोचने पर नियंत्रित नहीं है, सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है, उसको सोचा नहीं जा सकता है, वो अनैच्छिक क्रिया कहलाता है, उस पर विचार करके भी कोई फायदा नहीं है, वो एकदम कंटिन्यूअस चलते रहता है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो तीसरा हो गया सांस लेना, चौथा लिखेगा भोजन का पचना, जी हाँ, अब आप इसको समझा देते हैं। जैसे मान लिया कि भोजन आप करते हैं, अब भोजन पच गया, तो भोजन पचता तो है हमेशा, आप सोए रहिए, पड़े रहिए, बातें करते रहिए, टहलते रहिए, भोजन हमेशा पचता रहता है, लेकिन क्या पचने के लिए कभी सोचना पड़ता है कि जो भोजन खाए हैं चलो भाई अब सिर्फ खाने से होगा, अब उसको पचाओ, तो पचाने का नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं, भोजन को पचने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है। तो चौथा में लिखेंगे भोजन का पचना। पांचवा में पुतली का झपकना, जी हाँ, कई बार होता है कि आप बातें करते करते न जाने कितनी बार अपने पुतली को, आंख के जो ऊपर रहता है, पलक का झपकना जिसको कहते हैं, वो कई बार आप झपका लेते हैं, तो इसको आप सोच के नहीं झपकाते हैं कि चलो झपकाना है, इसलिए इस बात को लेकर हमको सोचना नहीं पड़ता है। तो ये सब भी क्या है,
ये सब भी है अनैच्छिक क्रिया। तो पांचवा में हो गया पुतली का झपकना, और छठा में लिखेंगे रक्तदाब। रक्तदाब का मतलब ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर भी इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हमारा हार्ट है, जैसे हृदय जो है पंपिंग करते रहता है। हम आपको रक्तदाब के बारे में पिछले चैप्टर में, यानी कि इसी बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रकरण में पढ़ाए हैं कि रक्तदाब को मापने वाला यंत्र, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सुन लीजिए, स्फिग्मोमैनोमीटर। और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होना चाहिए वो 120/80 होना चाहिए। और रक्तदाब का मतलब ये हुआ कि रक्त पर लगने वाला दाब, या लगने वाला ऐसा बल जो नियंत्रित प्रेस दाब से पूरे शरीर में जाए, फैल जाए, उसको कहते हैं रक्तदाब। कहीं रक्तदाब को हम लोग शॉर्ट में बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। अगर ये कहीं ज़्यादा हो गया तो लोग हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, अड़बड़ सड़बड़ बकने लगते हैं, ठीक है। यानी कि बीपी में दोनों प्रॉब्लम है, अगर कम हो तो फिर आपको पूरा वीकनेस होगा, कमजोरी जैसा होगा, और ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा वो, फिर आपको आप लगेगा कि एगो पैर आसमान में ही है, इस तरीके से आप वो लोग बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया का मतलब वैसी क्रियाएं जो सोचने का नियंत्रित नहीं किया जाता है, सोचने का कोई मतलब नहीं है उस पर, उसको हम लोग कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो ये रहा हम लोगों का बहुत सारे एग्जाम्पल, पाँच छः इतना काफ़ी है। चलिए उसके आगे हम लोग नेक्स्ट एरो देते हैं, लिखेंगे अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। पश्च मस्तिष्क, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सवाल आएगा कि जो अनैच्छिक क्रिया है, अब ई वाला किस कौन सा माइंड का ये सब काम है, हालांकि अनैच्छिक क्रिया का मतलब पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे वाला जो दिमाग है उसका यही सब काम है कि कौन कौन अनैच्छिक क्रिया है, इसको देखभाल करना, इसको कंट्रोल करना। तो ये रहा हम लोगों का कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन सा मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क का काम है ये सब, ठीक है। चलिए उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, लिखेंगे मानव मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग है। मानव मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग है, अतः इसकी रक्षा के लिए, अतः इसकी रक्षा के लिए मस्तिष्क, हड्डियों की बनी बॉक्स में स्थित होती है। रक्षा के लिए मस्तिष्क हड्डियों की बनी बॉक्स में, यानी बक्सा में स्थित होती है, जिसे खोपड़ी या ब्रैकेट में कपाल कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब ये खोपड़ी का मतलब कौन सी है, ये जो दिमाग हम लोग बना रहे थे, ये जो दिमाग है, ये दिमाग किसी खोपड़ी में है स्थित। अब ये खोपड़ी का मतलब क्या, दिमाग बहुत ही, हमारा जो मस्तिष्क है बहुत ही कोमल अंग है। जरा सा भी थोड़ा सा इसे यहाँ पे टच क्यों पेन से करिएगा कि क्या उसका भंग हो जाएगा, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। कहते हैं ना कि मतलब अगर ज़्यादा माथे में चोट आ जाए तो हो सकता है दिमाग से वो कुछ सोच ना पाए, यानी कि दिमागी का शिकार हो जाए ऐसा करके। तो याद रखिए कि हमारा दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, बहुत ही कोमल अंग है। जरा सा भी कहीं से अगर दाब हुआ थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए गॉड ने, भगवान ने प्राकृतिक रूप से उसकी रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए ऊपर से जो है खोपड़ी का निर्माण किया है, जो भी एक तरीके से हड्डी का बना होता है। अब इसी खोपड़ी को कई लोग कपाल कहते हैं। तो याद रखिए, कपाल का मतलब ऐसा बॉक्स जिसमें हमारा दिमाग स्थित हो, रखा हुआ हो, उसको कहते हैं कपाल या खोपड़ी। चलिए उसके नीचे एरो देंगे, फिर से लिखेंगे मेरु रज्जू की रक्षा रीढ़ की हड्डी,
रीढ़ की हड्डी, ब्रैकेट में लिखिएगा कशेरुक, कशेरुक दंड। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? कशेरुक दंड करती है। तो याद रखिएगा कि मेरु रज्जू कहाँ होता है? तो ये दिमाग के पश्च मस्तिष्क के से एक नली पास किया हुआ रहता है, जिसको कहते हैं मेरु रज्जू। आप फिगर बनाए होंगे तो मेरु रज्जू इसको कहते होंगे। मेरु रज्जू वह रास्ता है जिसपे हमारे पूरे शरीर की जो नलिकाएं जुड़ी होती है, इसीलिए कहीं से किसी को चींटी काटते हैं, किसी को टच करते हैं, तो यही मेरु रज्जू से होते हुए सूचनाएं हमारे दिमाग तक पहुंचती है। तो कुल मिलाकर अब सवाल आएगा कि जैसे भाई दिमाग को, हमारा मस्तिष्क को रक्षा करने के लिए खोपड़ी बना हुआ है, उसी तरीके से मेरु रज्जू को रक्षा करने के लिए कौन है? तो हमारा रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी कहाँ से शुरू होती है? हमारे कमर से। हमारे कमर में देखिएगा तो दो गो ऐसा ऐसा करके डिप्स हैं, दो गो गड्ढे नजर आते हैं, वही गड्ढे से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। और यही रीढ़ की हड्डी हमारे दिमाग से जुड़ी होती है, और उसी रीढ़ के अंदर मेरु रज्जू जाता है, यानी कि उसकी रीढ़ के अंदर, हड्डी के अंदर मेरु रज्जू गया है, जिसको नियंत्रित करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमारे पीठ के बल, पीठ के तरफ से एक रीढ़ की हड्डी गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कशेरुक दंड। ठीक है, अब ये शुरू कहाँ से होता है? तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कमर है, कमर के पीछे यानी कि पीठ के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा में देखिएगा तो दो गो ऐसे ऐसे करके, दो गो इधर दोनों तरफ से ऐसे नजर आते हैं। ठीक है, डिप्स, थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा, वहीं से शुरू होता है पूरा। रीढ़ की हड्डी वही आपका अंदर मेरु रज्जू है, जो कि हमें रक्षा प्रदान करती है। कौन? तो रीढ़ की हड्डी। तो इस तरीके से हम लोग पूरा मानव मस्तिष्क के बारे में पूरा डीपली पढ़ लिए हैं। अब अगले दिन मानव मस्तिष्क को पढ़ने के बाद एक नए टॉपिक्स को लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग लगातार 2 दिन से मस्तिष्क के बारे में ही पढ़ रहे थे। आने वाले क्लास में, यानी कि अगले क्लास में, एक नए टॉपिक्स के साथ हम लोग साइंस क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।